स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है, मटेरियल ट्रांसफर का वर्क है, वो हर्ट करता है। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट में जो वर्क है ट्रांसपोर्टेशन का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार फिर ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए जो है यूज़ करते हैं, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बसें, ट्रेनें, सब ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है वो हर्ट करता है, और प्लांट के अंदर यही ट्रांसपोर्टेशन का, मींस चीज़ों को कैरी करने का काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम, फ्लोएम। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही परमानेंट कंपाउंड टिश्यू हैं। परमानेंट कंपाउंड टिश्यू, कंपाउंड का मतलब होता है दे आर मेड अप of more than one kind of tissue। ये दोनों ही टिश्यू जो हैं एक से ज़्यादा टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम इन्हें परमानेंट टिश्यूज में, कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज है। परमानेंट इन सेंस कि इनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी होती है, इनके अंदर जो ग्रोइंग कैपेसिटी है ख़त्म हो गई है, इनके अंदर सेल डिवाइडेशन बंद हो चुका है। इन्हें हम डेड सेल्स भी बोलते हैं, डेड सेल्स और डेड टिश्यू। जाइलम, जाइलम मेनली कैरी करता है, जो वाटर को कैरी करता है, लेकिन वाटर के साथ साथ वो अर्थ में, सोइल में डिसॉल्व अमाउंट में जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी इसेंशियल होते हैं, उन सबको कैरी करने का फंक्शन करता है। अगर हम एक प्लांट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, इट्स अ ग्राउंड स्टेट, इट्स अ ट्री इट्स टू बी अ शॉर्ट प्लांट। तो अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे इसे हम कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि अर्थ से, ग्राउंड से प्लांट की जो लीफ है उसका डिस्टेंस हाई है, और जबकि यहां पर देखते हैं तो इसको बोलेंगे हम शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस का यहाँ पे क्या वैल्यू? प्लांट जितना शॉर्ट डिस्टेंटेड होगा, जितना ही लीफ नियर टू ग्राउंड होगा, उतना ही मिनरल इजीली प्लांट तक पहुँच पाएंगे, लेकिन जितना हाई डिस्टेंस होगा उतना ही कम लगेगा। अगर हम मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो प्लांट्स को मिनरल्स की ज़रूरत होती है अपने प्रोसेस को कैरी करने के लिए, तो वाटर, वाटर में जितने भी डिजोल्व मिनरल्स है वो सब जाइलम कैरी करके चलता है। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं, तो फ्लोएम में, फ्लोएम का काम है फूड का, मीन्स सिंथेसाइज फूड जो लीफ में प्रिपेयर्ड होता है, मीन्स इसका काम क्या है, डाउन और बॉटम टू टॉप। तो इसका काम क्या हो गया, टॉप टू बॉटम। अब इस कंडीशन में हुआ तो क्या हुआ? इस कंडीशन में अगर हम नॉर्मली बात लेकर चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, सबसे पहले हम जाइलम की बात कर लेते हैं। जाइलम के जो मेनली टिश्यूज हैं जिनसे मिलकर जाइलम बना है, फर्स्ट इज जाइलम वेसल, ट्रैकीट्स, ट्रैकीट्स,
थर्ड इज जाइलम, फाइबर्स एंड लास्ट वन जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो तीन स्टेट हैं ये तीनों ही स्टेट डेड टिश्यूज हैं। जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, दे आर डेड टिश्यूज, डेड मटेरियल से मिलकर बने हैं, लिग्निफाइड है, जबकि अकेला जाइलम पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है। अगर हम जाइलम वेसल्स की बात करते हैं तो वेसल्स में क्या हुआ, मेनली हम यहां वेसल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि वेसल ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करेंगी। ये वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स क्या काम करेंगी, जाइलम वेसल्स हमने मान लिया, जाइलम वेसल्स के पास एक और वेसल आ रही है, ये हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहां से इस सेल से हमने मान लिया ये सेल ए है, ये सेल बी है, बी सेल से ए सेल में भी तो ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, वो किसके थ्रू होगा, तो उसके लिए हमने देखा यहां पर इन बिटवीन द सेल्स देयर इज अ कैविटी फॉर्म। तो अगर हम इसको सही तरीके से देखते हैं तो ये कैविटी कुछ इस तरीके से है, फिर ये कंटिन्यू डाउनवर्ड जा रही है। इस तरीके से कोई भी सब्सटेंस मेनली वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स यहां से कैरी करेंगे और इस जगह से कैरी करते हुए वो टॉप मोस्ट तक चले जाएंगे। इसके अलावा इसके बीच में दिस स्पेस जो एम्प्टी स्पेस है इनके बीच में, उस स्पेस को बोलेंगे हम ल्यूमन। लेकिन उसके बीच में भी जो भी स्पेस है बिटवीन टू वेसल्स, अगर हम देखते हैं यहाँ पे इसको हम मानते हैं वन वेसल, सेकंड वेसल, टू वेसल्स के बीच में जो स्पेस है इसको बोलेंगे हम पिट। पिट अब इसमें क्या हुआ, यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी सब्सटेंस जा रहा है वो सेकंड वेसल में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और जो यहाँ से जा रहा है वो इस वेसल में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से वेसल कंडक्ट करने का काम करती है। अब कंडक्शन के दो तरीके हो गए, फर्स्ट है डिफ्यूज़न, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का फंक्शन हुआ तो क्या हुआ, डिफ्यूजन कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का फ्लो फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब अगर हम ग्रास की बात करते हैं तो ग्रास में हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन हो सकता है, कैरी हो सकता है। रीजन क्या है, ग्रास का लेवल बहुत टच टू ग्राउंड है तो वो इजीली डिफ्यूज़न कर सकती हैं। लेकिन एक लॉन्ग डिस्टेंस का प्लांट डिफ्यूज़न करेगा तो वहाँ तक मिनरल्स और वाटर को पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए क्या यूज़ किया गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स याद रखना, जहाँ भी हम बात करते हैं एक्टिव की उसका मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी। एटीपी हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में एनर्जी का काम करता है, करेंसी का काम करता है, एनर्जी का मीन्स हमारी जो करेंसी है, एनर्जी करेंसी, उसे हम एटीपी कह सकते हैं। और ये जो डिफ्यूज़न है इट्स अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक फ्री का काम है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा, कोई भी करेंसी, कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही, सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब भी ट्रांसपोर्ट की बात आएगी तो सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही काम आएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एक सक्शन क्रिएट करता है। अब वो सक्शन किस तरीके से क्रिएट करेगा हम एक बार वो देखते हैं। हमने एज्यूम किया इट्स अ लीफ, लीफ के ऊपर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वी नो वेरी वेल,
हम इनको डॉटेड रिप्रेजेंट करते हैं। ये लीफ का डोर्सल पार्ट है और एक होता है वेंट्रल पार्ट। जो लीफ का लोअर पार्ट होता है डोर्सल पार्ट, उसमें स्टोमेटल कंसंट्रेशन हाई होगी। अब ये जो स्टोमेटा है ये क्या करेंगे, वाटर को ट्रांसपिरेट करेंगे, बाहर निकालेंगे, एक्सेस वाटर को एनवायरनमेंट में डालेंगे। ये वाटर आया कहाँ से है, नियरेस्ट सेल से, नियरेस्ट सेल से कहाँ गया, स्टोमेटा के पास, स्टोमेटा से बाहर, वहाँ कहाँ से आया, इस सेल से। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसी तरीके की वेसल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं जाइलम वेसल्स। हर एक जाइलम वेसल्स से यहाँ से गया यहाँ पर, जैसे ही ये इस सेल में चला गया तो यहाँ पर एक वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हुआ। इट इज़ जस्ट लाइक, जैसे कि हमने डॉक्टर्स के पास देखा है इंजेक्शंस होते हैं, उनके पास सीरिंज होती है, जैसे ही वो सीरिंज को के पीछे की निडल को खींचते हैं तो आगे अंदर कैविटी में एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। सक्शन की वजह से जितना भी जो भी बाहर लिक्विड या एयर है वो अंदर आ जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पे हुई, जैसे ही इसने यहाँ गया तो यहाँ पर एक कैविटी क्रिएट हो गई, सक्शन क्रिएट हुआ। उस सक्शन की वजह से जो लोअर सेल्स में वाटर था वो अपर सेल में चला गया, अपर सेल में चला गया। तो भाई अब ये भी सेल खाली हो गई हमारी, अब ये सेल खाली हो गई तो इसमें भी वाटर आना ज़रूरी है। वो लोअर सेल से वाटर लेगा, इसमें भी सक्शन क्रिएट हो गया, धीरे धीरे ये सक्शन चला गया रूट पोर्शन में, सक्शन चला गया रूट पोर्शन में। और यहाँ पर हमने मान लिया है इट दीज आर द रूट सिस्टम। तो रूट के बाहर भी रूट हेयर्स है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, वो रूट्स यहाँ से वाटर लेंगी नियरेस्ट ग्राउंड से। वाटर जाएगा ऊपर और धीरे धीरे वाटर प्लस डिजोल्व मिनरल्स सक्शन प्रेशर के थ्रू ऊपर तक कैरी कर जाएंगे। और इसी प्रोसेस की वजह से, एक एक्टिव प्रोसेस की वजह से, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ग्राउंड लेवल पे वो हायर अपर लेवल पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। गाइस, जाइलम के बाद अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से फ्लोएम वर्क करता है। सबसे पहले हम फ्लोएम की बात करते हैं, तो फ्लोएम के बारे में भी हमने बात करी थी कि फ्लोएम एक परमानेंट कंपाउंड टिश्यू है। अब क्या हुआ फ्लोएम में, फ्लोएम जब एक परमानेंट कंपाउंड टिश्यू है तो फ्लोएम भी ऑब्वियसली मोर देन वन टाइप की सेल से मिलकर बना होगा। तो सेल्स कौन कौन सी है, फर्स्ट सेवी ट्यूब या सेवी सेल्स। एक्चुअली क्या है कि इनका फंक्शनिंग तो सेम है, बट जिम्नोस्पर्म्स में सेवी सेल्स मिलती हैं और एंजियोस्पर्म्स में सेवी ट्यूब मिलती हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये तो हो गया सेवी ट्यूब। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेवी सेल्स की, शॉर्ट डिस्टेंटेड याद रखना, इनके बीच की कैविटी खाली है, ये वाली, ये है सेवी सेल्स। नेक्स्ट इज कॉम्पेनियन सेल्स या फिर एल्ब्यूमिनस सेल्स। बोथ हैव सेम फंक्शन, फर्क सिर्फ इतना है कि जो कॉम्पेनियन सेल्स हैं वो एंजियोस्पर्म की हैं और एल्ब्यूमिनस सेल्स है वो जिम्नोस्पर्म्स की है। दोनों का फंक्शन सेम है। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से कि दिस वन आर द कॉम्पेनियन कॉम्पेनियन, दीज आर द एल्ब्यूमिनस सेल्स कंपेनी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सेल्वी ट्यूब्स जो हैं वो खुद फंक्शन नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, डेड सेल्स हैं। लेकिन वो टोटली डिपेंडेबल किस पे हो गई, कंपेनियन कंपेनियन सेल्स पर। तो उनकी पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करेगा, कंपेनियन सेल्स।
थर्ड वन इज फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये पूरे उसको कवर करके रखते हैं अपने चारों तरफ. फॉर एग्जांपल दीज आर द फ्लोएम फाइबर्स जो उसको बाइंड कर कर रखेंगे. एंड अ फोर्थ वन फ्लोएम पैरेन्काइमा. ऑब्वियस फ्लोएम पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी. बट अगर हम बात करते जिस तरीके से हमने जाइलम में बात करी थी, जाइलम में हमने बात करी थी कि उसमें जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जाइलम में, वो वेसल्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन किया था. तो फ्लोएम में ऐसा काम कौन करेगा? फ्लोएम में वो काम करेंगे सेल्वी ट्यूब्स और सेल्वी सेल्स. अब क्या हुआ अगर हम बात करते हैं फूड की? रिमेंबर फूड, प्लांट फूड मीन्स प्लांट अपना फूड हमें पता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट अपना जो भी फूड सिंथेसाइज करेंगे वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से करेंगे. अब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलकर C6H12O6 प्लस H2O स्लाइट अमाउंट में प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी ऑफ ATP. ये हमने जनरली स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस प्रोसेस की, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल आया कहाँ से? वाटर मॉलिक्यूल आया थ्रू जाइलम. वो आया कहाँ से? ग्राउंड से. फूड बना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज जो फूड तैयार हुआ है, अब इस फूड का होगा क्या? ग्लूकोज फूड स्टोर हो जाएगा प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जब ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो ही चुका है तो जब प्लांट ग्रो करेंगे, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक प्लांट के रूट सिस्टम की, रूट में हमें पता है क्लोरोफिल नहीं है, एब्सेंट है. अब जब रूट में क्लोरोफिल एब्सेंट है तो रूट को फूड मिला कहाँ से? तो रूट अपने फूड को गेन करने के लिए क्या करेगा? फ्लोएम की मदद लेगा. फ्लोएम के जो सेविस ट्यूब हैं, सेविस ट्यूब नीचे तक आएंगी इस तरीके से. अब याद रखना दो चीजें हैं यहां पे, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम अपवर्ड जा रही हैं वाटर प्लस मिनरल्स को लेकर, फ्लोएम डाउनवर्ड आ रहा है और डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट करेगा, स्प्रेड करेगा फूड को. डाउनवर्ड आ रहा है रूट्स के पास, क्योंकि अगर रूट्स की सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ऑब्वियसली दे बिकम डाई, नेवर बी सर्वाइव हेयर. तो जाइलम क्या करेगा? वाटर लिया उसने प्लस मिनरल्स. अब मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं. मैक्रो मीन्स प्लांट्स को जिनकी सबसे ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत है, और माइक्रो मीन्स जो सबसे कम अमाउंट में प्लांट के पास प्रेजेंट है उन्हें हम बोलेंगे माइक्रो और मैक्रो. फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं तो प्लांट्स कई बार हमने देखा है लीफ जो उनकी येलो हो जाती है. येलो लीफ किस वजह से होती है? ड्यू टू लैक कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम किस तरीके से क्लोरोफिल फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है. मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल तैयार कर रहा है अपना प्लांट्स के लिए, अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल का कलर क्या हो जाएगा? लीफ का कलर, लीफ बिकम येलो.
लीफ येलो कलर की हो जाएगी, किसकी वजह से? इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम। इस तरीके से बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट करते हैं हम फ्लोएम की बात। फ्लोएम, फ्लोएम का काम है फूड को। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां लिखते हैं हम, यहां मेंशन कर देता हूं मैं। फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्टेशन का, किसमें? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। तो आज हमने क्या क्या स्टडी करी? आज हमने स्टडी करा सबसे पहले जाइलम के बारे में, इन जाइलम। अब हमने देखा जाइलम में जाइलम में चार तरीके की सेल्स हैं, वेसल्स, ट्रैकेट, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो जो जाइलम वेसल्स हैं उनका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करेंगी? वो ट्रांसपोर्ट करेंगी वाटर का एंड मिनरल्स का फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड। अब ट्रांसपोर्टेशन की जब बात आ गई तो दो तरीके का ट्रांसपोर्ट हो गया यहाँ पे। डिफ्यूज़न, जो कि शॉर्ट के लिए तो ठीक है बट लॉन्ग डिस्टेंस में वो तो बहुत टाइम ले लेगा, मीन्स प्लांट जब तक डाई हो जाएगा। और अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में विदाउट एनर्जी काम नहीं होगा। हाँ, हमने बात करी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ? यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हुआ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन एक और है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की भी तो बात करी थी हमने। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या हुआ? इट्स अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन जहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हेल्प करेंगे डिफ्यूजन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटीन्स, सम प्रोटीन्स helps in diffusion। उन proteins को हम क्या बोलेंगे? porins। उन proteins को हम porins बोलेंगे which help in the transportation for a short long time, means थोड़े ही distance के लिए, more than grass, grasses के लिए। जैसे हमने बात करी थी कि just diffusion ही enough है, लेकिन अगर उससे भी ऊपर अगर हमें जाना हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वर्क नहीं करेगा यहाँ पर। नेक्स्ट फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम भी एक तरीके का कम परमानेंट कंपाउंड टिश्यू है। परमानेंट कंपाउंड टिश्यू मेड अप ऑफ सेल्वी ट्यूब और सेल्वी सेल्स। सेल्वी ट्यूब जो होती है, जो सेल्वी ट्यूब है ये एंजियोस्पर्म में मिलेगी और सेल्वी सेल्स जिम्नोस्पर्म में। और नेक्स्ट इज कंपाउंड कंपेनियन सेल, सॉरी कंपेनियन सेल और एल्ब्यूमिनस सेल। कंपेनियन सेल्स, दीज आर द कंपेनियन सेल्स जो जस्ट सेवी ट्यूब के पास में है, सेवी ट्यूब को कवर कर हुए। और इसी तरीके से एल्ब्यूमिनस सेल्स जो सेवी सेल्स को कवर किए हुए हैं। ये जितना भी वर्क होगा सेवी का वो सारा ही कवर किससे होगा? कंपेनियन से कवर्ड होगा। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स भी इसके चार तरह होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है इसके अंदर। फ्लोएम का मेनली फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपरली होती रहे।